हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट आईक्यू। मैं केवल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटी साइंस में, जो पहले योजना आयोग था, यानी कि प्लानिंग कमीशन, जिसको बंद करके नीति आयोग आया, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो। योजना आयोग और नीति आयोग, पहले योजना आयोग था और उसके बाद नीति आयोग आया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। यानी कि इसका जो पहले जो प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसका गैर संवैधानिक निकाय, मतलब भी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं था। और इसकी जो स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। यानी कि कहने का मतलब 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो योजना आयोग के फंक्शंस थे दो। इनका मेन जो काम था वो था, यानी कि दो फंक्शन में, एक तो था पंचवर्षीय योजना, दूसरा था राज्यों और मंत्रालयों के वित्तीय आवंटन करना। ये दो इसके फंक्शन थे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता था कि वो जो मंत्रालय को राज्यों और मंत्रालयों के अंदर जो वित्तीय आवंटन करना, ये वाला काम इनमें होता था। तो अब बात करते हैं, कुछ देखते हैं। जैसे कि इस पिक्चर से हमें शो हो रहा है कि यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के जो सदस्य हैं वो वित्तीय आवंटित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसमें पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें 5 वर्ष की जो योजना होती थी, यानी कि जो लास्ट योजना थी वो 12वीं योजना थी, जो 2012-2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो लास्ट योजना थी जिसको इसके बाद ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद जो आया हमारा नीति आयोग। ठीक है दोस्तों, नीति आयोग क्या होता है, यह भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी निकाय है, यानी कि गैर संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख है नीति आयोग का उल्लेख है संविधान के अंदर नहीं है। नीति आयोग की अगर नीति की फुल फॉर्म देखें, पूरा नाम देखें, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका पूरा नाम है। इसकी जो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भारत सरकार का जो मुख्य है ना, वो थिंक टैंक, सरकार का मुख्य थिंक टैंक है ये। और इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि इस सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। इसका जो मेन कार्य होगा है वो ये है कि जो सरकार को सलाह देने का है, मतलब आर्थिक मुद्दों पर, और ऐसी योजना का निर्माण करें ताकि जो लोगों के हित में हो। ठीक है दोस्तों, इसका मेन यही काम है, अभी भी नीति आयोग है तो है बोलेंगे। नीति आयोग के दो हब में बांटा गया है। पहला हब टीम इंडिया हब, दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इन दो हब में बांटा गया है, जिनमें क्या क्या होता है देखते हैं। यानी कि टीम हब में राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना, राज्य जो स्टेट है भारत के और केंद्र जो हमारी संसद केंद्र, उनके बीच में समन्वय स्थापित करना। और जो हमारा दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, उसका मतलब है नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम, जो नीति आयोग है हमारी उसको बेहतर बनाने के लिए नीति आयोग जो है बेहतर बनाने का काम है इसमें नॉलेज एंड इनोवेशन हब में। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग की संरचना किस तरह से बनता है, इसमें क्या होता है। तो संरचना में पहले जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे, और उपाध्यक्ष जो होंगे वो राजीव कुमार होंगे। अभी के जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं राजीव कुमार, ठीक है दोस्तों, और प्रधानमंत्री अभी के अध्यक्ष होंगे। तो नरेंद्र मोदी इनके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के, और सीईओ है प्रेजेंट अमिताभ कांत हैं, अभी के अमिताभ कांत सीईओ हैं अभी के। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट
इसमें क्या होता है और इसके अलावा कि फुल टाइम मेंबर यानी कि पूर्णकालिक सदस्य भी इसमें होते हैं, पदेन सदस्य भी होते हैं, और विशेष आमंत्रित करके मतलब भी विशेष आमंत्रित करके भी किसी को बुलाया जा सकता है। उसके अलावा जो ये पॉइंट है वो अपना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी पहले योजना आयोग थी उसमें ये नहीं था, नीति आयोग में ये जोड़ा गया कि जो गवर्निंग काउंसिल यानी कि भारत के सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, ये है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। और अब देखते हैं यानी कि जो भारत के सदस्य सभी मुख्यमंत्री होंगे और केंद्र शासित प्रदेश के एलजीबी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो ये नीति आयोग की संरचना हो गई। अब देखते हैं डिफरेंस क्या होता है नीति आयोग और योजना आयोग में। तो नीति आयोग पहले ये देख लेते हैं, बॉटम टू टॉप अप अप्रोच यानी कि बॉटम से टॉप, किसने कहने का मतलब इसमें क्या होता है, अभी जो भारत के राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, तो केंद्र के अंदर जो संसद है उसका उसके साथ लिंक होगा, वो भी अपने मत दे सकते हैं केंद्र नीति आयोग के अंदर। बट जो योजना आयोग था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें टॉप टू बॉटम था, जो केंद्र कह देती थी केंद्र में हो जाता कह देती थी वही उनको मानना पड़ता था, उनमें जो कि मुख्यमंत्री और एलजी को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये थी योजना आयोग। अब नीति आयोग के अंदर राज्यों की भूमिका प्रबल मतलब ज़्यादा मेन जो है राज्यों को इसमें दिया जाता है दर्जा, और योजना आयोग में ऐसा नहीं था। नीति आयोग कोई वित्तीय आवंटन नहीं करेगा, नीति आयोग में आवंटन वित्तीय आवंटन नहीं होता, और योजना आयोग के अंदर वित्तीय आवंटन करता था। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं इनके कार्य क्या थे, क्या हैं नीति आयोग के। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों को की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना, और भारत में ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर यह तकनीकी सलाह भी देगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना लास्ट, सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना। ये इसके चार पॉइंट है जो इनके कार्य हैं मेन। ठीक है दोस्तों, ये थे नीति आयोग के बारे में देखा, अब हम अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।